वेलकम क्राफ्ट लवर्स। तो आज मैं अपने 2 साल पुराने कुल्हड़ से बनाने वाली हूँ एक प्यारा सा DIY, जिसके लिए मैंने एक जूट रॉप ले लिया है और ग्लू गन की हेल्प से मैं इसको पूरे पे लपेट लूँगी। और ये करते करते मुझे 20-25 मिनट्स लगे थे। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश कि मेरी छोटी बहन होती तो मैं उससे ही करवा लेती, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि क्या वो मुझे करके देती। इसलिए अच्छा ही हुआ कि नहीं है, क्यों पालना भाई सर दर्दी छोटी बहन की। इससे अच्छा मैं खुद ही कर लूँ, जो कि मैंने कर लिया था। लेकिन ये करते करते बहुत ही प्रॉब्लम्स आई थी। क्या प्रॉब्लम आई थी? तो प्रॉब्लम नंबर 1, ग्लू गन की ग्लू स्टिक ख़त्म हो गई थी और मुझे लगा ये निकल क्यों नहीं रही है। अब प्रॉब्लम नंबर 2, स्विच ऑफ हो गया था, क्योंकि जहाँ से इस गन का ट्रिगर पॉइंट है उसी जगह पर ही इसका स्विच ऑफ ऑन होता है। ये देखें, यहाँ पे मैं इसे बार बार चेक कर रही थी कि क्या प्रॉब्लम हो गई है इसके साथ, ये क्यों काम नहीं कर रहा है, और मुझे रोना आ रहा था। फाइनली मैंने इसे सेट कर दिया और फिर मैंने इस पूरे को कंप्लीट कर लिया था, लेकिन किस्तों में ही कंप्लीट किया था, एक बारी का काम नहीं था ये। लेकिन देखो, पता है क्या, ये है बहुत ही ईजी। मुझे टाइम लगा क्योंकि बीच बीच में उठ के मैं कुछ ना कुछ कर रही थी इसलिए, लेकिन ये छोटा सा ग्लास है और इट्स नॉट अ बिग वर्क टू डू, इट्स वेरी ईजी टू डू। ठीक है, अगर आप क्राफ्ट लवर हो तो ये कोई मुश्किल नहीं है। बहरहाल, तो मैंने जिस तरह करके इस पूरे को कंप्लीट कर लिया था, जैसे कि आप देख रहे हो मैंने इसकी टॉप एजेस तक इसको कवर किया है इस जूट ड्रॉप से। वैसे जूट ड्रॉप से आगे बहुत ही सारे क्राफ्ट आने वाले हैं जो कि मैं इस जूट ड्रॉप से ही करूँगी, क्योंकि मैंने देखा है ये बहुत ईजी है, इसमें कोई ज़्यादा खिटपिट नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो क्राफ्ट बनता है ना वो बहुत ही रिलायबल होता है, आप इसको बहुत ही लंबे समय तक अपने साथ रख सकते हो। अब खाली ये रोप वाला तो बनेगा नहीं कि हमने रोप लपेट लिया और हमारा क्राफ्ट बन गया। तो यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड लिया है, जो कि मेरे पापा के शॉप में बहुत सारे कार्डबोर्ड के बॉक्स होते हैं, तो उससे मैंने ये 5 to 6 लीव्स कट कर लिए थे। और उसके बाद मेरे पास एक कलरफुल सा क्लोथ था जो कि मैं हमेशा अपने बैकग्राउंड्स में यूज़ करती हूँ, तो उस पर मैंने ये लीव्स पेस्ट करके उनको लीव्स शेप देकर कटिंग कर लिया था, जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने ये जूट ड्रॉप उसकी सराउंडिंग में इस तरीके से लगा लिया था। अब लग रहा है ना ये लीव, ठीक है, ये 5 कंप्लीट हो गए थे, ये 6th को मैं अभी कंप्लीट कर रही हूँ। सेम वही प्रोसेस, क्लोथ लपेट के उसके बाद जो उसके एजेस बचे थे क्लोथ के वो मैंने यूँ कट कर लिए थे, और उसके बाद मैंने रोप लगा ली थी, मतलब रोप से इसको कवर कर लिया था। अच्छा, मैंने सुना है लोग कहते हैं कि ना ग्लू गन से आपका हाथ बर्न होने का ख़तरा होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ग्लू गन से कोई आपका हाथ, ग्लू से आपका हाथ नहीं बर्न हो सकता। जो ग्लू गन है ना, जैसे इसकी टिप है वो स्टील की बनी होती है, स्टील की या आयरन लोहे की, उस वो अगर आपको टच हो जाती है तो आपका बर्न हो सकता है, ग्लू नहीं। क्योंकि ग्लू जैसे ही टिप से बाहर निकलता है उसकी पूरी हीट ख़त्म हो जाती है और वो एक रबड़ सा बन जाता है। सी यू फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलेंगे। जाते जाते आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मज़े करिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।